इसके साथ 10 जो है वो KCR की कोचेज अटैच की गई थी, जिसमें अपर क्लास की कोई कोच जो है वो शामिल नहीं है। इनसाइड और आउटसाइड जो ट्रेन को डेकोरेट किया गया, इसमें आप देख रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे के स्टॉप जो है उनकी तफसील बताई गई है, और साथ ही दाबी जी से मीरपुर खास तक के जो जितने भी स्टाफ शाह लतीफ के उनकी भी तफसील दी गई है। नई इंतजामिया से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्दियों में तो चलें ठीक है सफर हो सकता है, मगर इसमें एक एयर कंडीशन कोच होनी चाहिए। जो लोग मीरपुर खास से कराची या कराची से मीरपुर खास जाते हैं तो उनको गर्मियों में सहूलत जो है ये मैसर आ सके। ये शायद पहला ही मौका था कि मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम ब्लॉगर्स को सैयद जमील एंड कंपनी की तरफ से इनवाइट किया गया था और सबको VIP प्रोटोकॉल दिया गया। आज फर्स्ट डे ट्रेन जो है वो 11 मिनट ताखीर से रवाना हो रही थी, और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इंतज़ामिया ने कोच नंबर 1 जो बिल्कुल लोकोमोटिव से अटैच थी वो मखसूस की गई थी गेस्ट के लिए और इंतज़ामिया के लोग थे उसमें, तो एक लिहाज से ये VIP कोच बन गई थी क्योंकि इसमें आम मुसाफिर को उन्होंने परमिट नहीं किया था सफ़र करने के लिए। तो आज शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का पहला दिन था प्राइवेटाइज होने के बाद सफ़र करने का। इस मौके पर इंतजामिया के साथ आए हुए तमाम व्लॉगर्स ने इज्तमाई दुआ की। ट्रेन के डायरेक्टर हैदर शाह साहब आए हुए व्लॉगर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि जो प्राइवेट हो रही है इनकी ट्रेन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और KCR 1 अप और 2 डाउन, तो इस पर ये जो कमर्शियल मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताएं कि आवाम की सहूलत के लिए आपने सबसे पहला जो कदम है वो क्या लिया है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले जो है मेन दो हमने कदम लिए हैं, एक तो ये है कि मंथली पास हम निकालेंगे KCR में ताकि लोगों को बार बार टिकट ना लेने पड़े, एक दफ़ा लें और पूरे महीना जो है वो इस पर ट्रैवल करें। और दूसरी बात ये है कि हमने जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है उसमें जो है रेजर्वेशन शुरू कर दिया है और एक महीने तक की एडवांस रेजर्वेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारी लॉन्च हो गई है, उस पर भी आप रेजर्वेशन एडवांस कर सकते हैं और उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो और आप लोगों की सहूलत है और वो KCR इसलिए जो है आप लोग जो है खुद टिकट लें और इस कल्चर को प्रमोट करें कि विदाउट टिकट लोग सफ़र ना करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा कोई रियायत है इस ट्रेन में, कोई पासिस वगैरह, कोई सीनियर सिटीजन को कोई रियायत है? जो सीनियर सिटीजन है उनको जो है जो 70+ होंगे उनको जो है 50% किराए के ऊपर जो है वो हम शाह लतीफ़ में अकोमोडेट करेंगे। इसी तरह चाइल्ड के टिकट को भी हम जो है वो 50% के साथ जो है वो अकोमोडेट करेंगे। 3 से लेके 10 साल तक स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए, स्पेशल पर्सन का भी 50% 50% होगा, सही होगा। इसके अलावा जो टिकट है वो ट्रेन में भी बनवाया जा सकता है? आप टिकट जो है ट्रेन में भी बनवा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि KCR वाले तो हम टिकट ट्रेन में ही बनाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि शाह लतीफ़ वाले ज़्यादातर लोग जो है वो काउंटर से टिकट्स। और जो आपका KCR का जो फेयर है वो सेम वही रहेगा? वो सेम 40 रुपये 40 रुपये कहीं भी उतर जाए, बिल्कुल थाबी जी से और अंगी तक आप जहाँ मर्जी उतर जाएँ। और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में भी सिटी स्टेशन से लेके आप जो है वो थाबी जी तक जो है वो KCR होगी और उसमें भी 40 रुपये। इसके अलावा बता दें कि आप अपनी जो बुकिंग ऐप है वो भी लॉन्च कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी जो है सैयद जमील एंड कंपनी के नाम से जो है वो ऐप है, SJM CTL या सैयद जमील एंड कंपनी, तो उसके ऊपर आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। जितनी भी ट्रेन हैं बिल्कुल, फरीद एक्सप्रेस की भी, मेहर एक्सप्रेस की भी और शाह लतीफ़ इसके अलावा ये बता दें कि अगर आप कोई पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा है शाह लतीफ़ में, वो कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है इसमें या कैश ही? कार्ड के थ्रू कर सकता है, इधर नहीं है ट्रेन में नहीं है कार्ड की सर्विस, लेकिन आप मोबाइल एप्लीकेशन में कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैस कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू या वाउचर सिस्टम जो शॉप बेस्ड होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। जो एडवांस मतलब बुकिंग है वो आपने बता दी, जो कार्ड बनाएगा बंदा आपके ऊपर अहतमाद करेगा, एक महीना का कार्ड अपना इशू करवाएगा, उसमें कोई आप रियायत देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, उसके ऊपर जो है वो हम जो है 15% जो है डिस्काउंट देंगे जो पासिस बनाएगा,
और जो है वो इसलिए लोग अपनी बचत करें और 15% डिस्काउंट हासिल करें और उसमें मुझे रेलवे एम्प्लॉयज भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं, दोनों के लिए हम हासिल करें। बहुत शुक्रिया। तो ये हैदर साहब थे, सैयद जमील एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, जो कि ट्रेन के बारे में आपको बता रहे थे कि पैसेंजर्स को जो है वो ऐप के थ्रू क्या क्या सहूलियात होंगी। तो व्यूवर्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे ट्रेनें प्राइवेटाइज होती जाएंगी और उनकी नई मैनेजमेंट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगी, फिर हर किसी वेंडर के रूल्स और उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी और इस सूरत में पैसेंजर्स को परेशानी का सामना हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए व्लॉगर्स ने सिटी स्टेशन से, फिर डिग रोड और आखिर में लांडी से जो है वो ट्रेन को ज्वाइन किया। ट्रेन की इंतज़ामिया ने तमाम व्लॉगर्स को जो है चाय, अंडा, पराठा दिया, जिसको सब ने बहुत इंजॉय किया। ख़ास तौर पर मुझे मौसम बार सर्द होने की वजह से चाय का बहुत मज़ा आया। ढाबे जी KCR 1UP का लास्ट स्टॉप था और इसके बाद शाह लतीफ एक्सप्रेस को रुकना तो सिर्फ अपने स्टॉप पे ही था, मगर यहाँ कोई एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। 13UP अवाम एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से 50 मिनट जो है वो ताखिर से रवाना हुई, जिसकी वजह से 151UP शाह लतीफ एक्सप्रेस ने जो स्टॉप अपने करने थे वो तो थे ही 2 मिनट के, उसको भी 7 से 8 मिनट कर दिया गया और जहां नहीं रुकना था वहां भी ट्रेन को मजबूरन इसलिए ठहराया गया कि 13UP अवाम एक्सप्रेस जो है वो सेक्शन क्लियर नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हैदराबाद तक ताखिर का सामना करना पड़ा। जी जी बोले। झंगशाही रेलवे स्टेशन जो कि 2 मिनट का स्टॉप था ट्रेन का, यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट से ज़ायद जो है ट्रेन को ठहराया गया और वजह बस एक ही थी, 13UP अवाम एक्सप्रेस। झंगशाही रेलवे स्टेशन खुली जगह पे है, ठट्टा का डिस्ट्रिक्ट है और समुंदर भी यहाँ से नज़दीक, और सुबह काफ़ी सर्द हवाएं थीं जो कि बहुत यानी कि अच्छा लग रहा था। झंपीर से भी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो याद करता हूँ कि मैं 1996 में अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन के लिए झील पे आए थे, यहाँ पे बोट और मछली वगैरह का शिकार किया था। जंपियर स्टेशन गुजरने के बाद मुझ समेत क्या तमाम पैसेंजर्स जो हैं ये विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये देखते होंगे। ये विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये दोस्त मुल्क तुर्की के इश्तराक से 2012 में लगाया गया था। ये प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का है और इसके साथ ही ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट है। बुलारी का कॉशन भी मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, अब यहाँ से लेके इंडस रिवर क्रॉस करने तक मेरा फेवरेट रूट है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के व्यूज़ जो है वो दिखाऊँ।
और ये अप एंड डाउन के दोनों ट्रैक्स जो हैं ये मेरे फेवरेट हैं। '88 से मेरी कोटी स्टेशन से कुछ यादें वाबस्ता हैं, वो मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ। और आज शाद लतीफ़ के पहले दिन के मौके पर हैदराबाद से ही उसी तरह की कुछ याद ताज़ा हो गई। और जी ये लेफ्ट साइड पे जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे जिन्ना एक्सप्रेस ने आज से 2 साल पहले गुड्स ट्रेन को हिट किया था। और ये मकानात आप देख रहे होंगे जो अभी तक टूटे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने जब भी यहाँ सफ़र किया कुछ ऐसा ट्रैक का पार्ट आता है जो बैलेंसिंग की वजह से बड़े ख़तरनाक हद तक ट्रेन के कोचेज जो हैं वो झुक जाती हैं। अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जब हैदराबाद पहुंची तो वहां की इंतज़ामिया ने सैयद जमील एंड कंपनी के डायरेक्टर हैदर शाह का इस्तकबाल किया और साथ ही साथ पायलट और को पायलट को भी हार पहनाए गए, उनका भी इस्तकबाल किया गया। कोटरी के हवाले से जो मैं आपसे मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाह रहा था वो लोकोमोटिव के हवाले से हैं। कोटरी के हवाले से कुछ यादगार लम्हात कुछ इस तरह से थे कि 1988-89 में मैंने लोकोमोटिव 8209 में कोटरी से बिन कासम तक का केबिन में सफ़र किया था और आज 30 साल बाद 8207 में हैदराबाद से टंडोजात तक मैं केबिन में सफ़र कर रहा हूँ। आप भी व्यूज़ मेरे साथ एंजॉय करें।
देखने की। व्यूअर्स आप देख सकते होंगे कितना मजा आया होगा। हैदराबाद से टंडोजान तक लोकोमोटिव में ये सफर मुझे हमेशा जिंदगी भर जो है वो याद रहेगा। टंडोजाम के बाद से मीरपुर खास तक अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे हम पंजाब में ट्रेवल कर रहे हैं, ग्रीनरी और ये सरसों के खेत। फिर तकरीबन जितनी देर ट्रेन चलती रही इसी तरह के मनाजर जो है वो देखने को मिले। टंडो जाम के बाद टंडोवाला यार ये दूसरा स्टॉप था। टंडोवाला यार से मीरपुर खास तक ट्रेन ने पूरी रफ्तार के साथ सफर किया क्योंकि इसके आगे अब आवाम एक्सप्रेस नहीं थी। शाह लतीफ एक्सप्रेस मीरपुर खास तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट ताखीर से पहुंची और यहां से फिर 152 डाउन शाह लतीफ एक्सप्रेस का 2:45 पे डिपार्चर था। तो तकरीबन 1.5 घंटा था मीरपुर खास स्टेशन पे, जिसमें मुझे नमाज भी जोहर की पढ़नी थी और फिर जो तकरीब जो हम अटेंड करने के लिए आए थे उसमें भी शिरकत करनी थी। कराची में चूंकि इसका कोई इवेंट नहीं था, यहाँ ही रिबन कटिंग सेरेमनी थी जिसे मुल्क भर से तमाम व्लॉगर्स जो है वो शिरकत करने आए थे। एक चीज़ जो यहाँ मुझे पहुँच के नजर आई वो प्लेटफॉर्म था जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं थी और बहुत मुश्किल से मुझे उतरना हुआ। तो बुजुर्ग और माजूर अफराद कैसे चढ़ते होंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।
मीरपुर खार स्टेशन के कुछ इनसाइड और आउटसाइड व्यूज देखते हैं। नमाज पढ़ के मैं आ गया था, अब इंतजार था कि तकरीब डेकोरेट किया गया था और रस्ते में हवा से सब उड़ गए। पोस्टर अभी दोबारा लगाए जा रहे हैं। कोचेस की शंटिंग की जा रही थी 152 डाउन शाह लतीफ एक्सप्रेस के लिए। कोचेस का प्लेटफॉर्म पे वापस पहुंचने के बाद डेकोरेशन का काम दोबारा शुरू कर दिया गया, क्योंकि रिबन कटिंग सेरेमनी जो है वो शुरू होने वाली थी। तो आए चलते हैं तकरीब की तरफ। तकरीब का आगाज तलावत कराम पाक से किया गया। तलावत कलाम पाक के बाद डायरेक्टर हैदर शाह ने तकरीब से खिताब किया। मीरपुर खास के लोगों का बिल्कुल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेशन मास्टर साहब, एएसएम साहब, सबका शुक्रिया कि आप सब लोग जो है वो आए, और बाहर जो है वो आवाम हो गया काफ़ी ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। सर से आप लोगों के साथ बात करूँगा। ये कि बाकी आप लोगों के साथ मुख्तलिफ डिस्कशन हो चुकी हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आवाम से आप लोगों के थ्रू और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को, ये मीरपुर खास की गाड़ी है, इसलिए हमने यहाँ तकरीब मुनक्कद की है और इस गाड़ी को कामयाब करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। लोग इसको प्रमोट करें कि विदाउट टिकट लोग सफर ना करें, ताकि जो है वो पाकिस्तान रेलवे जैसे अजीम इदारे को भी फायदा हो। इसलिए हम जो है वो इसमें हमने रिजर्वेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है और एक महीने तक की 30 डेज तक जो है वो आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। एडवांस में आपको सीट मिलेगी ताकि आपकी सीट पे कोई और ना बैठे और आप जो है बाइज्जत तरीके से जो है वो अपना सफर कर सकें। आप लोगों को सबको उसकी डिटेल्स भी देनी है, उसके ऊपर भी शाह लतीफ की बुकिंग होगी। तो आप लोगों ने हमारे साथ और हमने आप लोगों के साथ स्पेशली जो है पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज जो है हम उनके साथ बैठ के जो है चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये इनकी ट्रेन है, इनका असासा है और इन्होंने सारी सारी जिंदगी इसके लिए जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये पहले भी इन्हीं की ट्रेन थी और आज भी ये इन्हीं की ट्रेन है और ये अपनी ट्रेन समझ के ही इसमें सफर करें और जो है इसमें हमारे साथ भी तावन करें, हम इनके साथ तावन करेंगे क्योंकि ये इनकी ट्रेन है और हमारे लिए ये लोग काबिल एहतराम है, हम इनके बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोगों से, आपके थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को प्रमोट करें। ये हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है तो वो पाकिस्तान रेलवे की टेक्निकल फिजिबिलिटी के ऊपर बात कर सकता है, ये हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। इसमें शालती एक्सप्रेस जो है इसमें बहुत से रेलवे मुलाजमीन भी सफर करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे कि वो उनके टिकट इशू किया जाएगा? देखिए पाकिस्तान रेलवे का जो है पास सिस्टम है, इनका पूरा मैकेनिज्म है, एज पर एग्रीमेंट हम पास सिस्टम को उसके बाउंड हैं और हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान रेलवे में 5% जो है एज पर एग्रीमेंट जो है कोटा मुख्तस किया गया पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज के लिए और उसके लिए पास एंड वाउचर सिस्टम होता है, तो जो उसके मुताबिक होगा उसको हम अप्लाइज करेंगे और जो एज पर पॉलिसी है। अगर वो विदाउट किसी क्रेडेंशियल्स के ट्रैवल करेगा तो डेफिनेटली उसका टिकट बनेगा। जैसे जो कॉन्टेक्ट हुआ इंशाल्लाह जो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। और तकरीब में आए मेहमानों के लिए लंच का एहतमाम किया गया था। तमाम खाने बहुत ही मज़ेदार थे, खसूसन बीफ बिरयानी, और यहाँ पर आए तमाम मेहमानों ने खूब इंजॉय किया। और जो लंच में डिशेज पेश की गई उनमें बीफ बिरयानी, चिकन बादामी कोरमा, स्टीम रोस्ट और जर्दा और रबड़ी शामिल थे। और सबसे आखिर में रिबन कटिंग सेरेमनी हुई।
और वापसी के सफर के लिए लोकोमोटिव एक दफा फिर सज धज के आ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस इफ्तिताह के मौके पर आपने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के आप हमारे इवेंट में आए, और बाकी जो है ये अवामी गाड़ी है, अवाम के लिए है, और इंशाल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर सहूलत दे के अवाम को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। तो इस तरह 3:15 पर ये ट्रेन जो है मीरपुर खास से आधा घंटा लेट जो है वो रवाना हुई। वापसी पर बिल्कुल आखिरी डिब्बे को हमारी वीआईपी कोच बना दिया गया था, और आखिर में मीरपुर खास से कराची तक जो मेरे फेवरेट व्यूज़ थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पीड देख के ऐसा लग रहा था कि ट्रेन भी यही चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके कराची पहुंचा जाए।
सुबह 7 बजे से शुरू होने वाला सफ़र अभी रात के 7 बज चुके थे और चार्जिंग इसकी कहीं कहीं हो रही थी और कोई चार्जिंग पॉइंट जो है वो ख़राब थे। सब मिलाकर इसको इस वक्त जो है वो चार्जिंग की ज़रूरत थी। 1 घंटे की ताखिर से ट्रेन मलीर हाल्ट पहुंची थी और यही मेरी मंजिल थी, मैं यहीं उतर गया। व्यूअर्स, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का ये इनॉग्रल व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिल सकें।